झूठ को 1,00,000 बार बोल लो या 1,00,00,000 बार, वो सच नहीं बन जाता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होने लगता है कि कुछ बेवकूफ़ या कुछ ऐसे लोग जिन्हें असल की पहचान नहीं, वो उसे सच मानने ज़रूर लगते हैं। अभी अभी जो छोटी सी क्लिप आपने देखी, इनका मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, ये बड़े ही मशहूर शास्त्रीय सिंगर हैं, क्लासिकल वोकलिस्ट माने जाते हैं। और ये ऐसे एक नहीं है, ऐसे कई हैं जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की परिभाषा को या उसकी छवि को आम इंसान के दिमाग में ख़राब कर रखा है। ऐसे ही लोगों की वजह से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि शास्त्रीय संगीत ये तो चिल्लाने का काम है, इसमें तो कोई रस है ही नहीं, ये तो मेलोडियस नहीं हो सकता, मधुरता तो फिल्मी गानों में है। आज पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं थोड़ा सा कुछ अपने विचार, अपने ओपिनियंस रखने की कोशिश करूँगा कि असल शास्त्रीय संगीत क्या होता है और कहाँ रस है और कहाँ नहीं है। हो सकता है भाई ये भी बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, ये इनके भी कुछ फ़ैन्स हों, और इनके जो फ़ैन्स हैं शायद वो मुझसे नाराज़ हो जाएं, क्योंकि अब आप लोग सभी जानते हैं, मुझसे वाकिफ़ हैं, मैं ऐसे काम करते रहता हूँ कि कुछ ऐसे कन्वेंशनल जो लोग मानते हैं जिन चीज़ों को, उनको तोड़ के कुछ उल्टी बात बोल देता हूँ, फिर उनके फ़ैन्स मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, इस डर से अगर सच ही बोलना छोड़ दें तो फिर बात ही क्या है, हम में और औरों में फ़र्क क्या रह जाएगा, फिर हम भी बस, क्योंकि हम एक एजुकेशन चैनल हैं, एजुकेशन का काम करते हैं, तो एजुकेशन में अगर मैंने सच छुपा कर सिर्फ वो सामने रखना शुरू किया जो एक्सेप्टेबल है, जिस पर विवाद नहीं होंगे, तो मेरा जो काम है उसके साथ गद्दारी होगी, अन्याय होगा। तो आइए देखते हैं इन्हीं प्रसिद्ध शख्सियत के और भी कारनामे, आगे देखते हैं और जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत असल क्या होता है और क्या ये जो गा रहे हैं इसी को शास्त्रीय संगीत बोलकर मान लेना चाहिए कि शास्त्रीय संगीत में रस नहीं होता, सिर्फ चिल्लम चिल्ली होती है। पूरा वीडियो देखिए। सुनी मैं हरि आवन की आवाज, सुनी मैं हरि आवन की आवाज। कई बार क्या होता है, जो असलियत है, जो ओरिजिनलिटी है, वो तो छुपी रह जाती है और जो ड्यूप्लीकेट है वो फेमस हो जाती है। तो कई बार इसीलिए ये होता है कि लोग ड्यूप्लीकेट को तो पहचानते हैं लेकिन उसका सोर्स, असल सोर्स उसको नहीं जानते, और कई बार ये होता है कि वो ड्यूप्लीकेट असल से ज़्यादा प्रसिद्ध होता तो है ही है, ज़्यादा लोकप्रिय भी हो जाता है, लोगों को पसंद भी वही ज़्यादा आ रहा है, फिर असल वाली बात पसंद भी नहीं आ रही, अच्छी ही नहीं लग रही है। यही होता है फिल्मी गानों में, फिल्मी गानों में राग का इतना सा प्रयोग करके उसे रसीला बना दिया जाता है। तो क्या होता है, फिल्मी गाने बड़े पसंद किए जाते हैं लेकिन उसी राग को जब पूर्णतः आप सीखें, समझें और सुनें और फिर जब उसका आनंद लेते हैं, तब समझ आता है कि अरे असल दरबारी इसे कहते हैं क्या, दरबारी का जो रस मिलना चाहिए एक व्यक्ति को, क्या वो ये है? हम तो उसे फिल्मी गानों में, बागेश्वरी को, यमन को, भैरवी को फिल्मी गानों में सुन सुन के हम तो आदि हो गए थे उसके अधूरेपन के, और अधूरापन हमें भाने लगा था, अच्छा लगने लगा था, तो जब उसका पूर्ण स्वरूप हमारे सामने आया तो वो हमें अच्छा नहीं लग रहा। समझें इस चीज़ को। एक हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को ये बात बोली थी कि असल ओरिजिनल या वो चीज़ रचना किसकी है या वो चीज़ किसकी है, आज की तारीख में वो मानी नहीं रखता है, आज की तारीख में मानी वो रखता है कि प्रसिद्ध क्या है और पहले किसने पेश किया। मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने उस व्यक्ति को दिया था, मैंने कहा ये तुम्हारी शर्ट है, मान लो ये शर्ट मैंने पहन के अगर फेमस कर दी तो लोग क्या समझेंगे, शर्ट किसकी है, मेरी है,
तुम्हारी है ये नहीं पता चलेगा लोगों को। तो ये भी हो जाता है कि वो रचना जो बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है, जिस व्यक्ति ने करी, हम उसी की मान लेते हैं कि इसी की होगी भाई, इसने प्रसिद्ध करी है तो यही गा रहा होगा। जैसे उमूमन मैंने हाल ही में जब एक वीडियो दिया था कि क्यों गुमनाम हो जाते हैं कलाकार, क्योंकि जो राइटर हैं, जो कंपोज़र हैं, उस तक कोई नहीं जाता है। सिंगर की ही कंपोजिशन होगी, सिंगर ने ही लिखा होगा, उसी का गाना है। तो भाई गाना किसका? सोनू निगम साहब का। गाना किसका? रफ़ी साहब का। ये नहीं सोचते कि लिखा किसने, बनाया कौन, किसने, म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है। तो इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है ये चर्चा। मैं उस व्यक्ति की बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा जिसकी मैंने छोटी सी क्लिप लगाई है, ठीक है, वो अपने स्तर पर जो भी काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपने स्तर से कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन मेरा दुख है स्टूडेंट्स को लेकर, मेरा दुख है आम इंसान को लेकर, आम जनता को लेकर, जो ऐसे लोगों से गलत इन्फॉर्मेशन परसीव करके उसे सच मान बैठती है, वो जो गलत फहमी है उसे वो सच मान बैठती है। शास्त्रीय संगीत को लोग कम पसंद करें या उसमें रस न मिल रहा हो उसे, उन लोगों को, इसका कारण है जिन लोगों ने शास्त्रीय संगीत का लेवल तय किया, स्तर तय किया, या यूं कहें कि जो लेवल लोगों ने देखा। आपने अगर शास्त्रीय संगीत सुना हो तो कई बेवकूफ़ ऐसा भी कहेंगे, बेवकूफ़ कह के मैं बिल्कुल भी, मेरी भाषा को क्षमा कीजिएगा, बेवकूफ़ मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो बेवकूफ़ हैं और मैं समझदार हूँ, नहीं, नादान, चलिए नादान कह लेते हैं उन्हें, कि कई नादान ऐसा भी कहेंगे कि ये जो सिंगर थे ये और भीमसेन जोशी जी, इनमें फ़र्क क्या है, दोनों सेम ही तो गाते हैं। क्योंकि एक आम इंसान के लिए दूर से अगर देखे वो, जिसे संगीत की समझ नहीं, तो वो क्या करेगा, इनको सुनेगा, अरे तो सेम गा रहे हैं, दोनों चिल्लाते हैं, दोनों के चेहरे बिगड़ते हैं, दोनों के हाव भाव ऐसे होते हैं, स्टेज पर तमीज़ से नहीं बैठते, हाथ पाँव हिलाते रहते हैं। उस नादान व्यक्ति के लिए दोनों समान हैं, और वो नादान इसीलिए है क्योंकि उसे संगीत का ज्ञान नहीं है, उसे ये नहीं पता कि सिर्फ आडंबर जेस्चर्स से संगीत नहीं होता है। प्रस्तुति तो कोई भी, हवा तो कोई भी बना सकता है, है ना। आज कोई आम इंसान होता है, हम फिल्मों में देखते हैं, फिल्मों में शास्त्रीय संगीत जब दिखाया जा रहा है तो एक एक्टर पे फिल्माया जा रहा है, अब वो एक्टर शास्त्रीय संगीत की इमिटेशन कर रहा है, जैसे कि वो शास्त्रीय संगीत का कलाकार है, अब वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि अच्छा ऐसे ही होता होगा शास्त्रीय संगीत, अगर वो ज़बरदस्ती के बाल बढ़ा ले और अजीब अजीब हरकतें करें तो लगेगा अच्छा ऐसे ही होता होगा शास्त्रीय संगीत। तो ये थोड़ी सी मिसलीडिंग बात हो जाती है। तो हमें ख्याल रखना है कि हम सीखें, समझें, पहले जानें, और उसके लिए ही हम बैठे हैं। अगर हमने थोड़ा बहुत इस विषय में जाना है तो इसीलिए तो वही मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि ये शास्त्रीय संगीत नहीं है। चीखना चिल्लाना शास्त्रीय संगीत नहीं है, रस है। तो अगर शास्त्रीय संगीत समझना है, पंडित जसराज जी को सुनिए, आप अमान अली खान साहब को सुनिए, ये बड़े बड़े गायक हैं जिनके नाम अभी मैं आपको गिना रहा हूँ, आप किशोरी अमोनकर जी को सुनिए, अश्विनी भिड़े जी को सुनिए, इतने बड़े बड़े नाम हैं, इन लोगों को सुनिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने शास्त्रीय गायन, मैं गायन की बात कर रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंटल की बात नहीं कर रहा हूँ, वरना तो इंस्ट्रूमेंटल में भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, महान सितार वादक हैं, विलायत खान साहब हैं, रविशंकर जी हैं, है ना। तो ये वो हैं जो सितार की दुनिया में बादशाह हैं, और तबला वादक कई सारे हैं, कथक नर्तक कई सारे हैं, मृदंग पखावत सारे हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर्टिकुलर गायकों की बात कर रहा हूँ। अगर आप उस्ताद राशिद खान साहब को सुनते हैं, अजय चक्रवर्ती जी को सुनते हैं, कौशिकी जी को सुनते हैं, ये वो लोग हैं जो शास्त्रीय संगीत का असल रूप जो है आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और अगर मैं बात बोलूं तो ये भी शास्त्रीय संगीत काफ़ी बदल गया है, ये काफ़ी पब्लिक के अनुसार हो गया है, वरना असल तो हमारी जो गायकी थी वो तो ध्रुपद गायकी थी, और ध्रुपद गायकी जब सुनी जाती है तो सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है एक बार को। क्यों? क्योंकि ये उन हरी सब्जियों की तरह है जो पाचन के लिए, जो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन स्वाद में थोड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन जब उसका समझ आ जाए तो वही स्वाद बड़ा सुमधुर भी लगता है, वही स्वाद बड़ा लजीज लगता है, लेकिन समझ आने के बाद। वरना तो हर बच्चा जो है वो अवॉइड ही करेगा, वो तो यही कहेगा नहीं मुझे तो फास्ट फूड खिलाओ, यानी फास्ट गाने गवाओ। जैसे फास्ट फूड है वैसे ही फास्ट गाना है। तो तेज तेज आलाप ताने ले देना शास्त्रीय संगीत नहीं है, गले को छील देना पूरी तरह से, जोर जोर से चीखना चिल्लाना ये शास्त्रीय संगीत नहीं है। ऐसे ही कई गायक और भी हैं जिन्हें आप देखते होंगे जो इस तरह से गाते हैं। ये एक विधि है
शास्त्रीय संगीत में ख्याल गायकी कह लो, जब उसमें आलाप ताने गाई जाती हैं तो हाँ ऐसा होता ज़रूर है कि गले का जोर लगता है, बल की ताने आती हैं, लेकिन उसमें स्वर भी कोई चीज़ होती है। सिर्फ आवाज़ को चीखना नहीं होता है, ये उमूमन लोगों को नहीं पता। लोगों को लगता है ये और ये एक जैसा है, तो कांच और हीरा एक जैसा नहीं होता है। ये जो कर रहे हैं ये शास्त्रीय गायन नहीं है, एक सुर इनका ठीक से नहीं लग रहा, न लय का ख्याल न ताल का ख्याल। तबले को ज़ोर ज़ोर से पीटना ज़रूरी नहीं है। शास्त्रीय संगीत जो है उसमें रस आता है जब ठहराव आता है। कोई आवश्यकता नहीं, आप मत आलापतानों को तक जाइए। आप जब उसकी आलापचारी सुनेंगे ना, जहाँ रिदम भी नहीं है, जब विलंबित सुनेंगे वहाँ है शास्त्रीय संगीत, जब ध्रुपद सुनेंगे वहाँ है शास्त्रीय संगीत। हाँ ध्रुपद में ये ज़रूर होता है, कई लोग बोलेंगे कि नहीं वहाँ भी तो गमक का इतना हैवी यूज़ है और गले का बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ है, तो वो तो हमें सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। समझेंगे तो वो आध्यात्मिक रूप से है, वो कुछ यौगिक क्रियाएं हैं जो ध्रुपद में होती हैं। ध्रुपद कह लो या शास्त्रीय संगीत जो मूल है वो प्रदर्शन के लिए वैसे भी नहीं है, शास्त्रीय संगीत आत्मदर्शन के लिए होता है। आत्मदर्शन कह लीजिए, खुद के मनोरंजन के लिए कह लीजिए, साधना के लिए कह लीजिए, उसके लिए होता है। और जब वो साधक अपनी साधना प्रदर्शित कर दे और वही साधना सामने वाले को चाहिए और वही वाली दे, ऐसा नहीं कि सामने वाले के अनुसार उसको बदल दे, तब जाके असल बात होती है। यानी हमें यह ख्याल रखना होगा कि शास्त्रीय संगीत को शास्त्रीय संगीत के ही रूप में बताया जाए। मैं क्यों राग का चलन बिगाड़ दूं, सरल कर दूं, जस्ट बिकॉज कि आम इंसान नहीं समझ पा रहा है। आम इंसान को एजुकेट कीजिए, उसे समझाइए। शास्त्रीय संगीत हम विश्वगुरु है भारत, शास्त्रीय संगीत हमारी चीज़ है, तो क्यों ना इसे जन जन तक पहुँचाया जाए, क्यों ना इसे कंपल्शन बना दिया जाए, क्यों ना इसे सिलेबस में डाल दिया जाए, क्यों ना इसे घर घर में सीखना कंपलसरी कर दिया जाए। यह हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कार का भाग है। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत अगर आप कैदियों को भी सिखाते हैं तो उनका भी मानस परिवर्तन हो सकता है, फिर साधारण मनुष्य जो आम है उसकी तो क्या ही बात। यानी अगर बच्चों को बचपन से ही शास्त्रीय संगीत सिखाया जाए तो वो कितने धैर्यवान बन जाते हैं। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं खुद भी बड़ा उद्दंड बालक था बचपन में, मतलब इतनी शैतानियाँ, इतनी शरारतें जो मैं करता था, जितना यू नो आउटरेज मेरे अंदर था, वो सब धीरे धीरे शांत होने लगा क्योंकि शास्त्रीय संगीत सीखा। तो धीरे धीरे फलसफा आने लगा, फिलॉसफी साइकोलॉजी आने लगी, अध्यात्म लिटरेचर आने लगा, स्पिरिचुअलिटी आने लगी, तो धीरे धीरे आदमी काम और समझदार होने लगता है, है ना। तो ये शास्त्रीय संगीत की खासियत है। लेकिन लोग शास्त्रीय संगीत को जो एक इमेज ये लोग बना रहे हैं, इनको न सुन के अगर हम भीमसेन जोशी जी को सुने, और भीमसेन जोशी जी को आप ये नहीं कह सकते कि अरे वो तो इतना तेज़ तेज़ ज़ोर ज़ोर से गा रहे हैं, वो बहुत मुश्किल चीज़ है। वो जो गले का काम है, वो जो सुरसुरावट है, वो जो लय का खेल है, वो बहुत रियाज मांगता है। वो सिर्फ चीख चिल्ला नहीं रहे हैं, कई लोग ये भी कहते हैं कि आप, जैसे मैंने कभी कभार ऐसे बोल दिया ना कि ये कव्वाल जो है चीख चीख के आराधना करते हैं, तो चीखने की क्या ज़रूरत है। तो कई लोगों का काउंटर पॉइंट ये आता है कि फिर ये जो आपके देखिए शास्त्रीय संगीत में भी तो देखिए, जसराज जी को देखिए, ये कितना चीखते हैं जब लय बढ़ जाती है। तो भैया वो स्वर में चीख रहे हैं, और वो चीखना नहीं है, वो स्वर में आलाप ताने लेना है, वो स्वर लगाना कितना मुश्किल हो जाता है उसमें। देखिए आवाज़ बिल्कुल कर्कश नहीं होती है, आवाज़ में नरमी तब भी बनाने की वो कोशिश करते हैं कि वो नर्म रहे और कानों को अच्छी लगे, और वो राग का चलन है। अगर भैरव को देखेंगे तो भैरव का विकराल स्वरूप भी है, तो भैरव का शांत वैराग्य स्वरूप भी है। हर एक राग का अपना एक स्वरूप होता है, इसीलिए तो मैंने कई बार बोला है कि ज़रूरी नहीं हर राग में उतनी तेज़ तेज़ आलाप ताने लेकर गले की एक्सरसाइज को दिखाना, है ना। आप जो राग का चलन है उसके मुताबिक उस राग को गाइए। जहाँ वज़न चाहिए वो राग का भाव वज़नदार है तो वहाँ वज़न आएगा, जहाँ नरमी है तो वहाँ नरमी भी आएगी, है ना। तो बस मेरा ये कहना है कि ऐसे लोगों से दूर रहें। और सिर्फ जो सरगम ले लेता है चार, क्या वो क्लासिकल होता है? हर गाने में सरगम लेना, वो कह देते हैं ये तो देखो क्लासिकल है शास्त्रीय, ऐसा नहीं होता है, है ना। थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बजा देना, हर कैसी तिहाइयाँ मार देना, कहते हैं ये देखो क्लासिकल है। कई ढोलक वादक होते हैं जो ढोलक पे तबले की चीज़ें बजाते हैं और कहते हैं देखो हम तो क्लासिकल बजा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बस चार पाँच इधर उधर के हाथ मार रहे हैं, चार पाँच तिहाइयाँ भी वो प्रॉपर नहीं होती ना, उसमें गणित ना कुछ है, उसको वो शास्त्रीय संगीत कह देते हैं। वो शास्त्रीय संगीत नहीं है, शास्त्रीय संगीत बहुत साधना का काम है, वो बहुत गणित का, बहुत बुद्धि का, बहुत अध्यात्म का काम है। उसके लिए शांत होना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, है ना। तो मेरा बस आप लोगों से दरखास्त है, मेरी उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि वो तो करेंगे ही ना भाई, जो अधूरी नॉलेज वाला है वो फुदकेगा ना,
क्यों नहीं भुदकेगा, तो उन्हें करने दीजिए। लेकिन हम और आप, हम शिक्षित रहें, हम उन्हें तवज्जो ना देके असल गायकी, असल समझ की ओर जाएं। शास्त्रीय संगीत का बिल्कुल मतलब चीखना चिल्लाना नहीं होता। शास्त्रीय संगीत का मतलब होता है संगीत के रस और भाव को समझना। जो रस यमन में, जो बागेश्वरी का श्रृंगार है, वो गीतों में नहीं आएगा, वो राग बागेश्वरी में ही आएगा। जब आप राग प्रताप वराली सुनते हैं, जब आप राग झिझोटी सुनते हैं, जब खमाज अंग के या काफी अंग के जो श्रृंगारिक प्रधान है वो सुनते हैं, या भैरव और भैरवी में जब भक्ति सुनते हैं, मारवा में जब भक्ति सुनते हैं, पूर्वी तोड़ी में जब आप भक्ति सुनते हैं, तो अलग अलग नव रस आपको शास्त्रीय संगीत में मिलते हैं। इस ऐसी गायकी में नव रस नहीं मिलते हैं, ऐसी गायकी में सिर्फ चीखना चिल्लाना और सरदर्द मिलता है। शास्त्रीय संगीत आप दिन दिन भर सुन सकते हैं, आपको सरदर्द नहीं होगा। शास्त्रीय संगीत इतनी सूदिंग और कामिंग चीज़ है जिसको आप, और ये शास्त्रीय संगीत में सिर्फ भारतीय नहीं कह रहा हूँ, आप वेस्टर्न क्लासिकल भी जो होता है वो भी बड़ा काम होता है। ये तो जैज है, हर वेस्टर्न म्यूजिक भी बेकार नहीं होता है। कई लोग कहते हैं नहीं वेस्टर्न म्यूजिक तो शोर शराबा है, ज़रूरी नहीं है। आप वेस्टर्न क्लासिकल सुनिए, वो जो पियानो जो बीथोवन बजाते थे, जो मोजार्ट बजाते थे, उसमें बिल्कुल भी जो उनकी सिम्फनीज हैं वो बिल्कुल भी शोर शराबे की नहीं, वो सारी सुकून वाली हैं, है ना। तो ये वाली बात है, शास्त्रीय संगीत क्लासिकल म्यूजिक को क्लासिक इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो एवरग्रीन है, उसमें रस है, इस गायकी में रस नहीं है। ठीक है, तो डोंट प्रमोट देम। एंड कोई भी गज़लों में भजनों में जोर जोर से आलाप ताने लेने लग जाए उसका मतलब शास्त्रीय संगीत नहीं होता है। ख्याल राग के चलन का, सुर सुरावट का भी होता है, लय ताल का भी होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आई हो, थोड़ा सा एजुकेशन की ज़रूरत है तो खुद ब खुद समझ आती है। मैं कोई महान आदमी नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, सब समझ आता है। इट्स जस्ट आई एम अ कंसर्न्ड पर्सन अबाउट म्यूज़िक, है ना। मैं संगीत को लेकर बड़ा संवेदनशील हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस विषय का अपमान हो, क्योंकि मेरा जीवन, मेरे पिताजी का जीवन, मेरे दादा गुरुजी का जीवन, मेरे पूरे परिवार का जीवन सिर्फ संगीत ही है, और हमसे जुड़े जितने लोग हैं उनका जीवन संगीत है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन का अपमान हो। बहुत शुक्रिया।